हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अनियन जूस बालों की ग्रोथ के लिए और बालों की बाकी की प्रॉब्लम्स के लिए किस तरह से यूज़ करना है। इसके लिए आपको लेना होगा सबसे पहले एक बड़ा सा रेड अनियन। उसके बाद उस अनियन को अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद, जिस तरह से मैंने किया है, किसी स्ट्रेनर की हेल्प से या कॉटन क्लॉथ की हेल्प से उसका पानी अलग कर लीजिए। सो इस तरह से पिसे हुए अनियन से आपको अनियन का पानी अलग कर लेना है, क्योंकि हमें स्कैल्प के लिए सिर्फ अनियन के वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी का अनियन आप कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। जब अनियन से जूस अलग हो जाएगा, उसके बाद आपको एक कॉटन बॉल लेना है। उसको अनियन वाटर में इस तरह से डिप करके एक्स्ट्रा वाटर स्क्वीज कर देना है और उसको अपने स्कैल्प में लगाना स्टार्ट करना है, सेंटर पार्टीशन करके। और इस तरह से, जिस तरह से हमने ऑयलिंग की थी, एक वीडियो मैंने ऑयलिंग भी बनाया था, एग्जैक्टली वैसे ही आपको अनियन जूस भी अप्लाई करना है कंप्लीट स्कैल्प में। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, जब तक मैं अनियन जूस आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, मैं इसके आपको कुछ बेनिफिट्स बता देती हूँ कि अनियन जूस के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे बालों के लिए। अनियन जूस में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से वो हेयर लॉस कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अनियन जूस हेयर फॉलिकल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जो न्यूट्रिएंट्स हमारे स्कैल्प से खो जाते हैं, वो उसको रीस्टोर करने में भी हेल्प करता है। अनियन जूस में सल्फर भरपूर मात्रा में होता है, जो कि ब्रेकेज को कंट्रोल करता है और बालों के पतले होने को कंट्रोल करके बालों को मोटा करने में भी हेल्प करता है। गाइस, जो हेयर लॉस होता है वो होता है हमारे स्कैल्प में किसी इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि अनियन जूस में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये उन प्रॉपर्टीज़ की वजह से उन इन्फेक्शंस के साथ फाइट करके वो इन्फेक्शन ठीक करता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है और नए बाल उगना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, अनियन जूस में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से जो टाइम से पहले हमारे बाल ग्रे होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको उस प्रोसेस को रिवर्स कर देता है। ऐसा नहीं है कि हमारे 50-60 के बाद अगर बाल वाइट होना, ग्रे होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये उसको भी ब्लैक कर देगा। पर हाँ, जो टाइम से पहले प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को कंट्रोल करता है, और अगर टाइम से पहले हमारे बाल वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको ये वहीं पर स्टॉप कर देता है अगर हम इसका रेगुलर यूज़ करते हैं, और उनको वापस से ब्लैक करना स्टार्ट कर देता है। अगर अनियन जूस का रेगुलर यूज किया जाए तो ये बालों में शाइन भी प्रोवाइड करता है। अनियन जूस की यूज से बालों में वॉल्यूम भी आती है, और क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये बालों में जो स्कैल्प में डैंड्रफ हो जाता है, उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। गाइस, इसके अलावा अनियन जूस एक और काम करता है। जब हम स्कैल्प में अनियन जूस से मसाज करते हैं, तो ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है तो बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। सो देखा गाइस, एक ही चीज़ में इतने सारे बेनिफिट्स, मतलब एक अनियन जूस हमारे सारे बालों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, चाहे वो हेयर फॉल हो, चाहे वो हमें लंबे बाल चाहिए हो, चाहे वो स्कैल्प इन्फेक्शन हो, चाहे डैंड्रफ हो। तो आपको करना क्या है, आपको वीकली दो बार, एटलीस्ट दो बार अनियन जूस को अपने स्कैल्प में इस तरह से मसाज करना है, और उसे कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए ऐसे लगे रहने देना है। अगर आप अनियन जूस की जो स्मेल होती है, इसकी स्मेल बहुत ख़राब आती है, अगर आप वो टॉलरेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप इसको रात को अप्लाई करके सो जाएं, क्योंकि जितने टाइम ये हमारे स्कैल्प में रहेगा, उतने ज़्यादा बेनिफिट्स हमें इसके मिलेंगे। और हाँ, अगर आप चाहें तो अगेन, अगर आप अनियन जूस की जो स्मेल है उसको टॉलरेट कर सकते हैं, तो आप इसका जूस या फिर ऐसे ही अनियन को चॉप करके अपने शैम्पू में भी ऐड कर सकते हैं। जब आप उसे हेयर वॉश करेंगे तो उसकी स्मेल आएगी, लेकिन वो 1 घंटे के बाद स्मेल नहीं आएगी, स्मेल चली जाती है। उसके बाद आप कोई अच्छा कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कोई स्मेल ना आए। अदरवाइज आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है, विदाउट कंडीशनर भी चलेगा। इससे बालों में सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, इसमें एक्स्ट्रा शाइन ऐड करेगा और वॉल्यूम ज़्यादा दिखेगी। तो आप अपने शैम्पू में भी इसको ऐड कर सकते हैं। सो अनियन जूस स्कैल्प में अप्लाई करने के बाद, इस तरह से आपको फिंगर्स से, बहुत हल्के हाथों से, ज़्यादा प्रेशर ना डालते हुए अपने स्कैल्प में मसाज करना है, क्योंकि जब आप मसाज करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, तो अनियन जूस के ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
फिर मिलते हैं जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।